रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक पेशेंट के रिपोर्ट्स शो करना चाहता हूँ। जैसे औरतों में एस्ट्रोजन की ज़्यादती की वजह से ब्रेस्ट कैंसर आने के चांसेस होते हैं, इसी तरीके से मर्दों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर होता है। प्रोस्टेट कैंसर का एक बेसिक टेस्ट होता है जिसको शॉर्ट में PSA टेस्ट कहा जाता है, यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये जो रिपोर्ट होता है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू जिसको रेफरेंस रेंज कहते हैं वो 0 से 4 MGPDL के दरमियान में रहना है। इससे अगर बढ़ जाता है तो इसको जो है कैंसर आने के चांसेस होते हैं। तो हमारे पास एक पेशेंट आए हैं जिनका नाम है रफ़ी अहमद, जिनकी एज है 59। ये जो मेरे पास आए थे उस वक्त में इनका जो PSA लेवल था वो 26.33 था, जिसके लिए डॉक्टर ने प्रोस्टेट का बायोप्सी करने के लिए कहा था। और उसकी वजह से और एक प्रॉब्लम था, वो है यूरिन का फ्लो बहुत कम था। यानी जो यूरिन फ्लो टेस्ट होता है इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो है यूरिन का फ्लो इनका था एकदम बिल्कुल कम, यूरिन ही नहीं आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका कुछ इलाज चला, तकरीबन 3 महीने के करीब इलाज चला। उसके बाद जो है आज वो आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिपोर्ट्स मैंने निकाला तो इनका जो यूरिन फ्लो है तकरीबन 99% अच्छा हो गया। अगर पुराने रिपोर्ट के अंदर देखोगे तो देख सकते हैं कि यूरिन फ्लो की ग्राफिक्स क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ्स के बाद ये वाला जो ग्राफिक आ गया है, यानी 90% तक अल्हम्दुलिल्लाह यूरिन फ्लो अच्छा हो गया। मगर उनको डर था कि कहीं ना कहीं जो है वो प्रोस्टेट बायोप्सी करना पड़ेगा अगर PSA कम ना हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है 15/2/2019 की, यानी करीब की। तो जिसके अंदर जो है जो PSA जो लेवल है वो 2.19 हो गया, जहाँ पर जो है 26.33 था वहाँ पर 2.19 हो गया। इसी तरीके से और भी टेस्ट इन्होंने किए हैं, जैसे लेटेस्ट और भी लेटेस्ट किए हैं, उसके अंदर जो है तकरीबन जो PSA लेवल है वो कम्प्लीट जो है नॉर्मल के करीब आ गया है। तो कहने का मकसद ये है कि इनिशियल स्टेज के अंदर अगर हम कैंसर का इलाज कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट के जरिए से अगर मालूम होता है कि इनका जो है वो हार्मोन इम्बैलेंस है, तो बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होता है। इसी तरीके से मर्दों के अंदर तकरीबन 50 साल के बाद जो है BPH की प्रॉब्लम होती है, बेनियन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो है बाद में फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन, फिर जो है किडनी में फेलियर वगैरह होता है। यूनानी मेडिसिन के अंदर ऐसी ऐसी बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं, इनिशियल स्टेज में अगर जो है हम इलाज करना शुरू कर दें तो बेहद फ़ायदा होता है। बस एक इन्फॉर्मेशन आपको देना था। मज़ीद ज़ाहिर से बताएं, डॉक्टर्स अगर हैं कोई, अगर वो जानना चाहते हैं कि मैंने क्या दवाई दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो जो है बिल्कुल फेक लोगों के पास ये दवा पहुँचे। जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, वाकई प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे लोगों को इंशाल्लाह ताला जो है मैं जो मेडिसिन दिया है वो मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।